हाँ ऐसे करके निकलना पड़ेगा। अभी खाली फ्राई करना बाकी है तो ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम सब भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग को सुबह सुबह फटाफट जल्दी निकलना है मेहमानों लोग का घर पर। तो दोस्तों धनी, मैं, बाबू और हम तीनों जाएंगे यहाँ पर कथल या दो थू तो ये मेहमानों के लिए। तो दोस्तों हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे बिना खाना पीना करके, खाली मैं चाय पिया था तो और धनी कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया, क्योंकि बाबू के लिए कुछ बनवाया था तो उसके लिए हम लोग गए थे और वापस आ गया। तो अभी हम लोग कुछ बनाएंगे, पानी पूरी है ना, एकदम अच्छे तरीके से बनाऊंगा। और दोस्तों आप सब भी बना सकते हो तो वीडियो से जुड़े रहना और एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे, तो आप सब स्किप मत करना। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं घर पर। तो दोस्तों ये हो गया सूजी और वहाँ पर लिया है मैदा, सेम एक बत्ती यहाँ पर जितना लिया है मैदा और सूजी भी उतना ले रहा है। तो देखो कीड़ा वगैरह कभी कभी हो जाता है तो उस वजह से चला नहीं लगा रहा है धनी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोडियम मिलाया और ये हो गया नमक, बस होगा। और अभी मिलाना बाकी है पानी। धनी बना रहा है और मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इसको थोड़ा 10-15 मिनट के लिए ऐसे रखना पड़ेगा। तो बस हो गया 10-15 मिनट, तो अभी इसको गोल गोल कर लेते हैं। इसको ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो इसको गमला का ऊपर ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी खाली फ्राई करना बाकी है। तो ये धनी को फ्राई करने के लिए दूंगा। तो ये रहा हम लोग का फाइनली गोलगप्पे पानी पूरी। ये हो गया इमली का पानी और ये हो गया आलू चटनी। तो दोस्तों खाने में तो स्वादिष्ट है लेकिन ये सब उतना अच्छा नहीं बना है, एक साइड नरम एक साइड बहुत ही टाइट। तो दोस्तों हम लोग पानी पूरी बना कर खाए, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है लेकिन उतना अच्छा नहीं बना है दोस्तों। फिर भी आप लोग जैसे बनाए ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं घर पर। थोड़ा सा पतला पतला करिए बेलने का टाइम तो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो हम लोग गोल गोल करने के लिए भी गिलास से किया हूँ तो वो भी अच्छा होता है। और चटनी भी इमली का और आलू का बनाकर खाया हूँ तो बहुत ही मज़ा आया खाने में। तो और दोस्तों हम लोग घर पर ही ऐसे ही रेस्ट कर रहा था खाना पीना करके, और मेरा फ्रेंड्स का पापा लोग आए थे दो, हमारा अंकल लगता है, तो उन लोग को थोड़ा कुछ खाने के लिए भी दिया हूँ और कुछ हमारा घर पर आके वो इन्जॉयमेंट करके गए हैं, क्योंकि उसको थोड़ा नशा चाह रहा था तो उस वजह से थोड़ा कुछ दिखा कर गया, क्योंकि हमारा मम्मी पापा भी थोड़ा लंगड़ा है तो वो भी लंगड़ा है तो उस वजह से थोड़ा कुछ दिखाया है। तो वो थोड़ा सा आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप सब थोड़ा दिखिए। यू आर रेडी? हाँ शास्त्री जी बने। देखो ये फ्रेंड्स का पापा मेरा अंकल, वो दो रहा है प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ा सा दारू पिया था वो। हाँ। और दोस्तों लास्ट में ये अंकल लोग को दे रहा हूँ खाने के लिए, ये बोलता है हम लोग का भाषा में जुगली तो, और आसामीस लोग बोलता है मीठा भात। तो ये खाने से नशा भी होता है ज़्यादा खाने से, तो ये थोड़ा थोड़ा खा कर वो लोग जाएंगे खा।